आज अपनी वीडियो में मैं आपको अपने स्कूल कार्मेल स्कूल में 26 जनवरी के उत्सव के सारे वीडियो और क्लिप्स दिखाने वाला हूँ। तो शुरुआत होती है आयोजन की लगभग सुबह 7:30 बजे के आसपास। समय पर सभी सिस्टर आ जाती हैं और आज के हमारे मुख्य मेहमान बनती हैं हिंदी मीडियम की अंसारी मैडम। मन संचालन हिंदी मीडियम को दिया जाता है और उसमें स्वाति मैम कमान संभालते हुए आयोजन को आगे बढ़ाती है। आयोजन जैसे ही आगे बढ़ता है तो दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत, समारोह की शुरुआत प्रभु को याद करके की जाती है। फिर वक्त हो चलता है माननीय आज के मेहमान के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम। होंगे कि वे भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराएं। झंडा उत्तोलन के कार्यक्रम के बाद हमारी आज की मुख्य अतिथि अंसारी मैडम के साथ हमारी सिस्टर हिंदी मीडियम के प्रांगण में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पे माल्यार्पण के लिए चले जाते हैं। ऐसा हमेशा हम लोग ये करते हैं और ये स्कूल की प्रथा रही है कि हर झंडा उत्तोलन और ध्वजारोहण के बाद हम महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और माल्यार्पण करके उन्हें याद करते हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि 26 जनवरी के दिन हम होस्टिंग नहीं करते हैं, हम अनफर्डिंग करते हैं, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है तो तिरंगे का खंभे के ऊपर होना लाजमी होता है। तो हम उसे एक रस्सी से आज़ाद करते हैं और उसे ऊपर ही फहराते हैं। तो आज अनफर्डिंग है, होस्टिंग नहीं है, आज झंडा उत्तोलन है। तो ये थोड़ी सी आप जानकारी, तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं, थोड़ा स्लो मोशन में मैंने लिया है कि बारी बारी से सभी पहले हमारे आज की अतिथि अंसारी मैडम वो माल्यार्पण कर रही हैं और बड़ा अजीब सा, मतलब मैडम इसी प्रांगण में हमेशा रहती हैं, यही उनका विद्यालय है, पर आज थोड़ा सा अलग है एहसास, क्योंकि आज वो एक शिक्षिका के रूप में नहीं एक अतिथि के रूप में ये काम कर रही हैं। तो मैं जब उन्हें देख रहा था तो मैं बड़ा, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं थे, कितना एक अजीब सा दौर, एक अजीब सा वो महसूस कर रही होंगी कि आज वो अतिथि तो बन गई और अब आने वाले कुछ महीनों में उन्हें यहाँ से विदा लेना है। तो एक विदाई का भी एक चल रहा था मेरे माइंडसेट में और एक बहुत गर्व का पल भी था मेरे लिए। और ये सभी के लिए होता है कि हम जिस जगह कार्यरत होते हैं वहाँ पे हमें सर्वोच्च पद से नवाजा जाए, हमें सबसे बड़ा आतिथ्य दिया जाए। तो ये गजब, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। और उस समय इतना मैं इमोशनल हो गया था कि मैं बस मैडम को देख रहा था और ये इन कार्यक्रम को ऐसे महसूस कर रहा था। तो ये अंसारी मैडम के साथ वहाँ की प्रिंसिपल सिस्टर सौमिता और पीछे माला टीचर ने मिल कर एक कार्यक्रम को पूरा किया। इसके बाद बारी बारी से हमारी आदरणीय सिस्टर्स भी आती हैं और वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। इसके बाद सिस्टर बैसिल आती हैं और उनके बाद हमारे स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर कैरल।
सकल लोक माँ सहुने वंदे। काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी। इसके बाद एक फोटो माला मिस और रजनी मिस के साथ और महाले सर के साथ। उसके बाद महाले सर मोर्चा संभालते हैं और क्या गजब का भाषण देते हैं। और सही में हिंदी कैसे कही जाती है, अगर आपको देखना है तो कभी मौका मिले तो महाले सर का स्पीच सुनिए। माँ सरस्वती को नमन करते हुए सारे जितने हमारे आजादी के सिपाही हैं, हमारे अमर शहीद हैं, उन्हें विद्यालय की ओर से सम्मान समर्पित करते हैं। और आज का दिन मिस ने बताया बहुत ही गणतंत्र संविधान को निर्माण के लिए एक आदर सत्कार और उल्लास के साथ मनाने के लिए 1950 में इसी दिन 26 जनवरी को इलास रमन के साथ ये संविधान स्थापित किया गया। संविधान स्थापित करने में जो कठिनाइयां हमारे भारत देश को हुई है वो पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। सारे देशों के संविधानों का समूह लगभग 60 देशों के इसके बाद सिस्टर बैसिल चादर और एक छोटे से पौधे के द्वारा अंसारी मिस का स्वागत करती हैं। देखिए हमारी परंपरा रही है कि क्योंकि मिस का अंतिम समय रिटायरमेंट का है और वर्षों में गिने तो 1985 से यहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग है और इतने अथक और इतनी परिश्रमी कठिन परिश्रम करके इस विद्यालय को उन्होंने दिया है। साथ में मैं चाहूँगा कि एक सैम्पलिंग के रूप में विद्यालय का प्रतीक चिन्ह पौधा भी सिस्टर इन्हें दीजिए सैम्पलिंग के रूप में। हाँ सिस्टर आप ही देंगे। सबसे सौम्यता चलाइए सकती है एक सैंडल के रूप में उन्हें पौधा सबसे उल्लेख करें। हम सभी की तरफ से आपके दिन राय में कामना करते हैं। अब मैं स्वास्थ्य में स्वतंत्र का सजीवन प्रति उनके बारे में आपके सारे टीचर्स। इसके उपरांत इंग्लिश मीडियम जूनियर सेक्शन के टीचर्स के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक छोटा सा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद हिंदी मीडियम की जूनियर शिक्षिकाओं के द्वारा एक समूह गीत प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम की शिक्षिकाओं के द्वारा एक समूह गीत प्रस्तुत किया जाता है। जन्म भूमि भारत, ये वंदनीय भारत, अविरत्य भारत, श्रीमन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे।
इसके पश्चात हमारी आज की अदिति अंसारी मैडम गणतंत्र दिवस पे अपना भाषण देती हैं और अपनी शुभकामनाएं और अपने जीवन के अमूल्य और बहुत ही मीठे अनुभव को हमसे साझा करती हैं। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। रिस्पेक्टेड मैनेजर सिस्टर ब्लेसिंग, सिस्टर आयरी, हिंदी मीडियम प्राचार्य सिस्टर सौमिंदा, इंग्लिश मीडियम प्राचार्य सिस्टर कैरियर, एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टर रजनी, आदरणीय सिस्टर एड्रिन, सिस्टर सुचिता और मिस रजनी एवं सम्मानी मेरे साथियों, मेरे सम्मानी शिक्षक शिक्षिकाएं। कार्यक्रम के समापन के वक्त हम सभी एकजुट हो जाते हैं और कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं मैंने सिस्टर के साथ ली हैं, फिर ग्रुप फोटो भी होता है और इन सुनहरी यादों के साथ हम विदा कर लेते हैं खुद को। बच्चों के बिना कार्यक्रम अधूरा तो लगता है बट क्या करें, कुछ गाइडलाइंस थी सरकार की, लेकिन फिर भी आप अकेले भी हों तो गणतंत्र दिवस है, उसकी एक खुशबू, उसका एक हर्षोल्लास दिल में कहीं ना कहीं रहता है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून विथ नीरज। और मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूंगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, बस अपना प्यार देते रहें और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।